हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी क्लास। आज आपका जो टॉपिक होगा पेपर फर्स्ट का, एक बहुत ही यूनिक एनिमल होगा, जो एनिमल किंगडम का एक इकलौता ऐसा एनिमल है कि जो मिक्सोट्रॉफिक होता है। क्लियर? मिश्रित भोजी, क्योंकि एनिमल आपने दो ही प्रकार के सुने होंगे, एक ऑटोट्रॉपिक होता है, दूसरा क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक होता है। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं, इसके इसकी सिस्टमेटिक पोजीशंस देखते हैं। इसकी जो सिस्टमेटिक पोजीशंस होगी, फाइलम प्रोटोजोआ होगा, क्लास एर्को मेस्टिगोफोरा होगा, सुपर क्लास होगा मेस्टिगोफोरा, क्लास फाइटोमेस्टिगोफोरा। मेस्टिगोफोरा मीन्स जिनके लोकोमोटिव ऑर्गन कैसे होते हैं, विप लाइक होते हैं। क्लियर? विप लाइक मीन्स कहते हैं फ्लैजला, तो उनको हम सबको रख देते हैं मेस्टिगोफोरा में। क्लास फाइटोमेस्टिगोफोरा है कि ये प्लांट लाइक है। यहाँ पर प्लांट लाइक मीन्स कहने का मतलब है कि इसमें क्या पाया जा रहा, क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा, तभी तो ये मिक्सोट्रॉफिक है बेटा यहाँ पर, तो इसलिए इसको रखा गया फाइटोमेस्टिगोफोरा। ऑर्डर है यूग्लेनाइडा है, जीनस यूक्लिना है, स्पीसीज है वेरिडस है यहाँ पर। अब आता है इसका वास एवं वास स्थान, हैबिट एंड हैबिटेट आता है। जो यूग्लिना है ये एक फ्री लिविंग है, स्वतंत्र जीवी है और सॉलिटरी है, एकाकी है। ठीक, मतलब कि जो यूग्लिना है क्लास मेस्टिगोफोरा का, वो एक फ्री लिविंग एनिमल्स है। ये कहाँ पाया जाता है, ये तालाबों में पाया जाता है, पोखरों में पाया जाता है, गड्ढों के रुकी हुए पानी में पाया जाता है, वहाँ पर जो बहुत धीरे से बहता है, स्लो रनिंग स्ट्रीम्स होती, उनमें भी पाया जाता है वहाँ पर। इट इज़ अ फाउंड इन एबेंडेंस वेयर देयर इज़ ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ द वेजिटेशंस। मतलब कह सकते हैं कि जिसमें बहुत सड़ता हुआ कार्बनिक पदार्थ होगा, प्रचुर मात्रा में होगा, वहां पर इनकी संख्या क्या होती, बहुत ज्यादा होती है। आपने देखा होगा बारिश के समय में बहुत से तालाब हरे हो जाते हैं, वो किसके कारण होते हैं, इस यूग्लिना के कारण, क्योंकि उस समय इनकी जो संख्या होती वो संख्या बहुत ही इंक्रीज कर जाती है यहाँ पर। क्लियर हो गया? मीन्स कि जो प्रोटोजोअल्स हैं यहाँ पर, ये सॉरी जो यूग्लिना है यहाँ पर, ये यूग्लिना कैसा है, यूनिफ्लैजलेट है, एक कोश एक कशाबिकी है यहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट बियरिंग है यहाँ पर बेटा। क्लियर हो गया? सॉलिट्री है, फ्री लिविंग है यहाँ पर का आप कह सकते, न्यूट्रिशन इसका होलोफाइटिक होगा और हो कैसा होगा, सेप्टोफाइटिक होगा। क्लियर? एक कशाबिका पाई जाती है, क्लोरोफिल को वहन करता है यहाँ पर, या होलोफाइटिक होगा यहाँ पर, प्लांट लाइक होगा या मृतोपजीवी होगा इसका पोषण यहाँ पर। अगर हम यूग्लिना के स्ट्रक्चर्स देखें यहाँ पर, यूग्लिना का स्ट्रक्चर, तो ये आपको कैसा लग रहा, तुर्क के समान, इसका जो अगर स्ट्रक्चर संरचना देखेंगे तो ये तुर्क के समान नजर आ रहा। क्लियर हो गया? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका अगला सिरा कैसे है, वो गोल है, कुंठित है, जबकि पिछला सिरा कैसा होता है, वो पॉइंटेड होता है यहाँ पर। क्लियर हो गया? देखिए लिखे एंटीरियर एंड ब्लंट होता है, मिडिल पार्ट इज द वाइड एंड पोस्टीरियर पॉइंट इज पॉइंट पोस्टर एंड इज द पॉइंटेड। अब इसकी जो लंबाई होगी बच्चा, वो लंबाई होगी 40 से लेकर 60 माइक्रोन तक, और जो ब्रेड्थ होगी इसकी चौड़ाई होगी यहाँ पर वो 16 से लेकर कितनी होगी यहाँ पर 20 माइक्रोन तक होगी। अब हम लोग चलते हैं इसके स्ट्रक्चर्स की तरफ। स्ट्रक्चर्स क्या होता है कि ये नेकेड एनिमल नहीं, इसके अलावा भी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी इसमें एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैलिकल बोलते हैं यहाँ पर। पैलिकल क्या है, शरीर का बाहरी रक्षात्मक पर्थ है, जो काइटिन की बनी होती है, मजबूत होती है यहाँ पर, लचीली झिल्ली के रूप में होती है यहाँ पर, जिसको आप पैलकिल कह सकते हैं या पेरिब्लास्ट प्लास्ट भी कह सकते हैं यहाँ पर।
वेरी प्लास्ट भी कह सकते, ये थिन है, फ्लैक्सीबल है, बट डिस्टिंक्ट टफ एंड स्ट्रॉन्ग ट्यूटिकुलर, लेकिन डिस्टिंक्ट है, पूर्ण विविध दिख रही है आपको, और टफ है, कठोर है, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, क्यूटिकुलर लेयर है यहाँ पर बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे यहाँ पर, क्लियर। मार्क विद द पैरेलल स्ट्रिएशन ऑफ द मायोनिमस, मतलब जो पैलिकल है फाइबर्स प्रोटीन की बनी होती है, और इसमें समांतर क्या होता है आप देखेंगे, स्पाइरल धारियां होती हैं, उन स्पाइरल धारियों को ही हम कह देते हैं क्या, मायोनीमा कहते हैं, मतलब इन मायोनीमा की सहायता से शरीर को सिकोड़ा या फैलाया जा सकता है, जिसे आप बोलते हैं यूग्लोनाइड मूवमेंट कहते हैं, अरे मतलब शरीर को फैला भी लेगा और सिकुड़ा, फैल भी जाएगा और सिकुड़ भी जाएगा, तो इस तरह का जो मूवमेंट होगा बेटा वो यूग्लोनाइड मूवमेंट कहलाएगा। ये यूग्लोनाइड मूवमेंट किसके कारण हो रहा है, इस मायोनीमा के कॉन्ट्रैक्शंस के कारण हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर आता है कि जो अगर हम स्ट्रक्चर्स देखें यहाँ पर इसका, तो स्ट्रक्चर्स देखने पे हमें ये समझ में आता है यहाँ पर कि ये इसका रिजर्वायर है, यहाँ पर इस पर क्या है, ये रिजर्वायर है, आपको फिगर पे दिख रहा होगा रिजर्वायर, रिजर्वायर मतलब जो शरीर का अगला चपटा भाग होता है फ्लास्क के नुमा, ठीक, उस फ्लास्क के नुमा की जो ओपनिंग होगी उस ओपनिंग को हम कह देंगे साइटोस्टोम कह देंगे यहाँ पर, और उसका जो बेस होगा उस बेस को हम लोग कह देंगे क्या कहेंगे, वहाँ पर क्या कहते हैं उसको, हम लोग कहते हैं रिजर्वायर कहते हैं यहाँ पर, क्लियर। जो साइटोस्टोम होगा और रिजर्वायर होगा वो एक दूसरे से कनेक्ट है, किसके द्वारा कनेक्ट है, वो साइटोफैरिंक्स के द्वारा वो कनेक्ट रहता है बेटा, वो किसके द्वारा कनेक्ट रहता है, वो साइटोफैरिंक्स। तो ये यहाँ पर आपको मैंने बताए थे अभी बेटा कि ये साइटोस्टोम है यहाँ पर, क्लियर, ये आपको साइटोस्टोम दिख रहा होगा ये है, और ये आपके पास क्या है, रिजर्वायर है यहाँ पर, ठीक, ये रिजर्वायर आपको दिख रहा है। तो ये बेस है। अब इसमें क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिफरेंशिएट होता है यूग्लिना में, आउटर लेयर को एक्टोप्लाज्म कहेंगे और इनर लेयर को क्या बोलेंगे हम लोग, इंटोप्लाज्म बोलते हैं यहाँ पर, क्लियर। अब यहाँ पर जो आता है नेक्स्ट वन आते हैं कंडीशंस, हम लोग चलते हैं साइटोस्टोम एंड साइटोफैरिंग्स। देखिए लिखा है द एंटीरियर एंड इज अ फनल शेप इज साइटोस्टोम और या सेल माउथ स्लाइटली द वन साइट ऑफ द सेंटर। साइटोस्टोम आगे लीड कर रहा है, शॉर्ट ट्यूबुलर साइटोफैरिंक्स बोलते हैं उसी को, गलत भी कह देते, बोथ सर्व एज ए कैनाल फॉर द एस्केप ऑफ द फ्लूड फ्रॉम द रिजर्वायर। ये देखिए यहाँ पर आपको पूरा फिगर्स क्लियर दिख रहा होगा, ये साइटोफैरिंक्स हो गया, ये साइटोस्टोम हो गया, और ये क्या हो गया, रिजर्वायर हो गया यहाँ पर। अब आता फ्लैजला, जो यहाँ पर फ्लैजला होता है वो फ्लैजला आपके पास कैसा है, विप लाइक है, विप माने होता है चाबुक की तरह, जो कि साइटोफैरिंक से बाहर की तरफ निकल रहा है। अब प्रत्येक जो फ्लैजला है उसकी जो उत्पत्ति हो रही है वो उत्पत्ति किससे हो रही, ब्लिफेरोप्लास्ट से हो रही है यहाँ पर प्रत्येक फ्लैजला की। और इसमें कैसा होते, दो फ्लैजला होते बेटा, दो फ्लैजला होते, कहने का मतलब एक छोटा होता है एक बड़ा होता है यहाँ पर कह सकते हैं, क्लियर। एक छोटा फ्लैजला हो गया, दूसरा फ्लैजला कैसा हो गया, बड़ा हो गया यहाँ पर। तो जो बड़ा फ्लैजला है वो क्या होता है, साइटोस्टोम से, साइटोस्टोम से क्या होता है, वो शरीर के बाहर आ जाता है, वो हेल्प करता है उसको लोकोमोशंस पे। पैराफ्लैजुलर बॉडी लाइज आइदर ऑन द रूट और एट द जंक्शन ऑफ द
टू रूट्स ऑफ द फ्लैजला, जो पैरा फ्लैजलर बॉडी है वो क्या है, दो रूट्स के, फ्लैजला के जो दो रूट्स हैं उनके बीच में क्या हो रहा, वो पाया जा रहा है यहाँ पे, पैरा फ्लैजलर बॉडी पाई जा रही है यहाँ पर। आपको ये देखिए फिगर पे दिख रहा होगा, यहाँ पर फिगर पे आपके पास ये है, यहाँ पर एक दिस वन पैरा फ्लैजलर बॉडी, दिस वन कंडीशंस, जो पैरा फ्लैजलर बॉडी है, ये पैरा फ्लैजलर बॉडी कैसी है बेटा, फोटो सेंसिटिव है यहाँ पर, क्लियर हो गया। फोटो सेंसिटिव कहने का मतलब है प्रकाश संवेदी, प्रकाश संवेदी है यहाँ पर, तो इसलिए इसको हम लोग कह देते हैं फोटो रिसेप्टर्स ऑर्गन्स भी कह देते हैं यहाँ पर, क्या कह देते हैं, फोटो रिसेप्टर्स ऑर्गन्स कह देते हैं यहाँ पे, मीन्स ये प्रकाश के प्रति क्या है, ये संवेदी होता है यहाँ पर, क्लियर हो गया। इसमें जो फोटो रिसेप्टर्स है पाया जाता है, वो पाया जाता है यहाँ पर, कौन सा पाया जाता है फोटो रिसेप्टर्स यहाँ पर, लैक्टोफ्लेविन पाया जाता है यहाँ पर, जिसके कारण ये क्या है संवेदी है यहाँ पर, क्लियर हो गया, लैक्टोफ्लेविन हो गया यहाँ पर। मतलब कि जो पिगमेंट पाए जा रहे हैं प्रो कंटेन द सेंसिटाइजर है, जो यहाँ पर फोटो रिसेप्टर्स के रूप में काम करते हैं, वो करते हैं, कौन करते हैं, वो करते हैं लैक्टोफ्लेविन करते हैं यहाँ पे बेटा काम, क्लियर। अब यहाँ पर आता है जो नेक्स्ट वन आते हैं आपके पास, यहाँ पर जो कंडीशंस आती है, जो नेक्स्ट वन टॉपिक आएगा आपके पास वो आएगा स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है, नियर द इनर एंड ऑफ द साइटोफारिक्स, क्लोज टू द रिजर्वायर, क्लोज टू द रिजर्वायर, क्लियर, रिजर्वायर के ठीक क्या होते हैं, नज़दीक पाए जाते हैं, अपोजिट द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के अपोजिट पाए जाते हैं यहाँ पर। अब ये जो स्टिग्मा होते हैं इनका भी काम क्या है, सेंसिटिव टू लाइट है, ये भी लाइट के प्रति सेंसिटिव होते हैं। इनमें जो पिगमेंट पाया जाता है, वो पिगमेंट पाया जाता है यहाँ पर हेमाटोक्रोम पाया जाता है, जो पिगमेंट पाया जाता है वो पाया जाता है कौन सा, हेमाटोक्रोम पाया जाता है। इस हेमाटोक्रोम के कारण क्या होते हैं, दीज आर द सेंसिटिव, विच इज़ द सेंसिटिव टू द लाइट, जो इसके ग्रैन्यूल्स में, जो ये एक ग्रैन्यूल्स के रूप में होते हैं, जो मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं, धसे रहते हैं यहाँ पर, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे फोटो रिसेप्टर ऑर्गन्स दो हो गए, दो तरह के फोटो रिसेप्टर ऑर्गन्स हुए, एक फोटो रिसेप्टर ऑर्गन आपके पास हुआ यहाँ पर, कंडीशंस आप कहते हैं कौन सा, स्टिग्मा हुआ, दूसरा क्या हुआ, पैराफ्लैजलेट बॉडी हुई यहाँ पर, क्लियर। अब यहाँ पर आता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, संकुचनशील रिक्त का, ये बड़ी होती है, लार्ज होती है, ऑस्मोरेगुलेटरी होती है, अपोजिट टू द स्टिग्मा पाई जाती है, नियर द रिजर्वायर होती है, वन साइड एक किनारे पाई जाती है, यहाँ पर कंडीशंस आप कह सकते ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, अपना जो भी मटेरियल है, एक्सेस वाटर होगा या वेस्ट प्रोडक्ट होगा, वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ से आएगा, जो उसकी उपापचय क्रियाओं से होगा, मेटाबॉलिज्म के द्वारा होगा, उसको ये सब क्या होती है, रिजर्वायर में उड़ेल देती है, रिजर्वायर में क्या करती है, ये डिस्चार्ज कर देती है यहाँ पर। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है, ये सिंगल होता है यहाँ पर, लार्ज होता है यहाँ पर, राउंडेड होता है, ओवल इन शेप होता है यहाँ पर, क्लियर, वेसिकुलर होता है यहाँ पर, और मोस्टली क्या होता है, ये इसकी पोजिशन फिक्स होती है, यूजली इन द मिडिल होगा, और या फिर टूवर्ड द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी, क्लियर। द न्यूक्लियस कंटेन ए सेंट्रल बॉडी नोन एज द एंडोसोम, जो इसकी सेंट्रल बॉडी होगी, उस सेंट्रल बॉडी को कह सकते हैं कि एंडोसोम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कैरियोसोम्स कह सकते हैं यहाँ पर, जो कि स्टेन करने पे डार्क कलर आता है, जो कि अभी भी कंट्रोवर्शियल है, लोग इसको मान नहीं रहे हैं अभी यहाँ पर,
और इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वो कैसी होती है, डबल होती है, परफोरेटेड होती है, यहाँ पर छिद्र युक्त होगी यहाँ पर, क्लियर। और अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको ऑब्जर्व करें तो न्यूक्लियस में कई प्रकार की केंद्रिकाएं होंगी और थ्रेड लाइक क्या पाए जाते हैं इसमें, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं क्रोमेटोफोर। आपने इसको नाम दिया था, इस चीज का नाम पढ़ा था यूग्लिना विरिडिस बोला था। विरिडिस का मीन्स होता है ग्रीन ऑर्गेनिज्म, हरे रंग का ऑर्गेनिज्म, क्लियर हो गया। क्यों होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस के कारण। अरे समझ में, तो विरिडिस जो होता है वो लैटिन वर्ड से डिस्क्राइब हुआ है, लैटिन में विरिडिस का मतलब होता है ग्रीन। तो यहां पर तो जो ग्रीन कलर है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पर, वो किसके कारण है, क्लोरोफिल के कारण। भाई क्लोरोफिल ए भी पाया जा रहा है, बी भी पाया जा रहा है, उसके अलावा इसमें क्या पाया जा रहा है, कैरोटिन्स भी पाए जा रहे हैं यहाँ पर। कह रहा ना, क्रोमेटोफोर कंटेन द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी, ऑल्सो नोन एज अ क्लोरोप्लास्ट। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये कैसा होता है, एलोंगेटेड होता है, रॉड लाइक होगा, यहाँ पर बॉडीज के रूप में होगा, जिसे आप क्रोमेटोफोर्स कह देते या जिसे आप क्लोरोप्लास्ट कह देते हैं यहाँ पर, क्लियर। कहता है ना कि इग्लिनोविरिडिस डिराइव इट्स ग्रीन कलर फ्रॉम दीज क्रोमेटोफोर्स, इन क्रोमेटोफोर्स के कारण यहाँ पर क्या हुआ, ये डेवलप हुआ है ग्रीन कलर। अब आता है पैरामायलून बॉडीज। पैरामायलून बॉडीज में ये क्या होता है कि ऑफ वेरियस शेप साइज एंड फाउंड स्कैटर्ड थ्रू आउट द एंडोप्लाज्म। जो एंडोप्लाज्म होता है उसमें पूरे पे क्या होता है, ये फैला रहता है यहाँ पर, स्मॉल ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, क्लियर। दीज आर द रिफ्रेक्टाइल बॉडी कंटेन द स्टोर फूड मटेरियल। जो एक्सेस फूड होता है ये स्टीलर शेप में होता है यहाँ पर, जो एक्सेस फूड होता है उस एक्सेस फूड को स्टोर किया जाता है किसमें, पैरामायलून। मतलब कह सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस द्वारा एक फॉर्म जो फूड होगा उस फूड को क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं। कौन स्टोर करते हैं, पैरामायलून बॉडीज स्टोर करते हैं, क्लियर हो गया। तो ये आपका हो गया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ द किसको होगा, यूग्लिना को हो गया। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, जो आप पूछा जाता है यहाँ पे।